आज हम क्या सीखेंगे? आज हम मैथ सीखेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रम आइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायंगल्स चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज इन द एडजॉइनिंग फिगर DEFG इज अ स्क्वायर एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इनटू EC। सो दिस इज अ गिवन डायग्राम। तो जैसे कि यहां पर हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके ये चीज लाना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखेंगे तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये बिगर ट्राइंगल है। तो इसमें से कौन से दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करें ताकि हमें ये जो प्रूफ करने बोला गया वो आ जाए। यस, तो जब भी आपको ऐसा कुछ आए तो हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करने बोला गया है उसमें से देखेंगे। अब जैसे यहां पर DE स्क्वायर चाहिए हमें, तो जब भी कोई भी साइड का अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको सिंपली ये देखना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स में डी जो है वो कॉमन आ रहा है। यस, अगर हम यहां पर देखें तो डी जो है यहां पर, ये तो कोई भी ट्राइंगल में एज ए साइड नहीं है। ओके, ठीक है। अब RHS में देखते हैं, RHS में है BD और EC। अब BD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। यस, और EC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल में। इसका मतलब हमें ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके हमारा काम हो जाएगा। यस यस, डी जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इनकी ये जो साइड्स है वो स्क्वायर की ही साइड्स है, तो वहां से कहीं ना कहीं हमें डी मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर हमें ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे ईजी वे ये होता है कि उनके कोई भी दो एंगल्स को कॉन्ग्रेट प्रूफ कर दो। यस, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब जैसे कि ये एक स्क्वायर है, यस, तो इसके सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ऑब्वियस है ये भी 90 होगा लीनियर पैड से। यस, इन द सेम वे यहां पर भी ये एंगल भी 90 होगा। तो अब हमें ये दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल तो कॉन्ग्रेंट मिल गया, 90 90। यस, दूसरा कोई एंगल कॉन्ग्रेंट है यहां पर, बी और सी नहीं पता, जी और एफ नहीं पता। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये दोनों को डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ कर सके। अब दूसरा तरीका ये होता है कि ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और उसके बाद ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल से अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज ये इसको सिमिलर है, ये भी इसको सिमिलर है, तो ऑब्वियस ये दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको पहले सिमिलर प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो अगेन देखो, यहां पर ये 90 है, यहां पर भी एक 90 है, तो एक एंगल तो हमें डायरेक्ट मिल गया। दूसरा, जैसे कि GF और DE दे आर दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ऑब्वियस अगर GF और DE पैरेलल है तो GF और BC भी तो पैरेलल होगा, बिकॉज ये DE का ही पार्ट है, ये सेम लाइन का ही पार्ट है, तो ऑब्वियस है BC और GF पैरेलल होगा। अब अगर BC और GF पैरेलल है तो उस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस और नो? यस, ये ऐसा है, और ये सपोज ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा कि नहीं, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें दो एंगल्स तो मिल गया। यस, इन द सेम वे ये दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो पहला कौन सा दो ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, या तो सबसे पहले ये जो पैरेलल है वो हम यहां पर बता देते हैं, दैट GF इज पैरेलल टू DE वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। यस, ऑफ अ स्क्वायर, सो देयरफॉर GF विल बी पैरेलल टू BC। यस और नो? बिकॉज वी नो दैट B' E' और ये B' D' E' C दे आर कोलिनियर पॉइंट, तो वो सेम लाइन का ही पार्ट है। तो एंड लेट AB बी द ट्रांसवर्सल। ये सुनो, अब अगर AB को ट्रांसवर्सल लेंगे तो देयरफॉर एंगल AGF विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इज इट क्लियर? समझ में? इन द सेम वे एंड व्हेन AC इज टेकन एज अ
ट्रांसवर्सल, अगर AC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AFG विल बी इक्वल टू एंगल ACB, अगेन दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा. ओके तो ये तो हमने एंगल्स जो इक्वल है उसका रीजनिंग लिख दिया. नाउ पहला इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AGF एंड ट्राइंगल. अब देखो पहले ट्राइंगल का AGF हम नेमिंग कैसे भी लिख सकते, AGF लिखो, GAF लिखो, FGA, लेकिन अब जब सेकेंड ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे तो हमें करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा. यस अब जैसे कि एंगल ए, एंगल ए किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल डी को, ये ट्राइंगल में, तो ए करेस्पॉन्ड्स टू डी. यस दूसरा अब देखो जी, ये ट्राइंगल का जी किसको इक्वल होगा, बी को. ये हमें दिया नहीं बट हमें पता है कि वो इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग, तो बी यहां पर जी के जगह पे यहां पर बी आ जाएगा. यस yes? तो अब बचा क्या, जी. यस yes, तो डी बी जी, ये ट्राइंगल का नाम डी बी जी रहेगा. इज इट क्लियर, ये करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें लिखना जरूरी है. अगर हमने नाम यहां पर जी डी बी लिख दिया तो हमारा करेस्पॉन्डेंस रॉन्ग हो गया और रेशियो जो आएगा वो गलत आएगा. इज इट क्लियर. तो पहला अब यहां पर एंगल ए, ये ट्राइंगल का एंगल ए, दैट इज जी ए एफ इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी बी जी डी बी ईच 90 डिग्री. देखो यहां पर मैंने ये 90 डिग्री कैसे आया वो मैंने यहां पर रीजन नहीं लिखा है, बट आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये एंगल क्या है 90 एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा. इज इट क्लियर. नाउ सेकेंड, ये एंगल का एंगल जी दैट इज ए जी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ऑफ दिस ट्राइंगल, सिर्फ बी लिखेंगे तो भी चलेगा, बी दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम वन, ये वन में हमने इसका रीजन बताया. सो देयरफॉर ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी जी बाय बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये सुनो, तो ये तो हो गया पहला, ये दो ट्राइंगल सिमिलर. इन द सेम वे ये दोनों ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूव करेंगे. कौन सा दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए जी एफ एंड देखो ए जी एफ, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, ई सी एफ. ये सुनो, बिकॉज ए करेस्पॉन्ड्स टू ई 90 90, जी विल करेस्पॉन्ड्स टू, सॉरी जी 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 सॉरी. अब यहां पर जी जो है ये जी किसको इक्वल है, यहां पर फिलहाल हमें नहीं पता है. दूसरा एफ, इसका एफ जो है वो सी को इक्वल है, तो यहां पर क्या जाएगा, ई सी सॉरी जी 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 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे और एफ के जगह पे सी लिखेंगे. इज इट क्लियर. देखो यहां करेस्पॉन्डेंस आगे ए जी ए जी एफ अगर हम ले रहे हैं तो यहां पर नेमिंग क्या आएगा, ई, बिकॉज ए करेस्पॉन्ड्स टू ई. जी जो है वो हमें नहीं पता है तो उसका स्पेस अगर आप छोड़ देंगे चलेगा. नाउ एफ जो है वो सी को इक्वल है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एफ जो है वो सी को इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियस है यहाँ पर एफ आ जाएगा. इसी क्या, देखो यहाँ पर एफ और यहाँ पर एफ का मतलब अलग है, यहाँ पर एफ मतलब ये एंगल होता है और यहाँ पर एफ मतलब ये एंगल होता है, तो डोंट से इट इज अ कॉमन एंगल. नेमिंग में हमें लगता है वो कॉमन हो सकता है बट ऐसा नहीं है. ओके सो नाउ पहला एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज जी ए एफ. हम जी ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, विच एंगल, एंगल ई, दैट इज सी ई एफ, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री. एंड द सेकेंड इज एंगल ए एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, दिस इज फ्रॉम वन बिकॉज दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, ए एफ जी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज फ्रॉम वन. सो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी, दिस इज बाय बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. इज इट क्लियर. तो देखो ए जी एफ इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल एंड ए जी एफ इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो ऑब्वियस है ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे. तो देयरफॉर फोर्थ, फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम टू एंड थ्री वी कैन से दैट ये तीनों ही ट्राइंगल सिमिलर है. ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों ही ट्राइंगल जो है, पहले तो डी बी जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ई एफ सी. यस सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं डी बी जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी. इज इट क्लियर. अब तीनों ही ट्राइंगल सिमिलर, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए. अब देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे. ये सुनो, तो यहां पर आ जाएगा डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी जी बी जी बी जी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी. दिस इज बाय बाय सी एस एस टी करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. इज इट क्लियर. अब जैसे कि यहां पर प्रूफ में देखिए बी डी और ई सी का रिक्वायरमेंट है. बी डी तो बी डी मतलब ये, इसे हम वही फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको हम बी डी लिख देते हैं अपॉन ई एफ. ई एफ का तो जरूरत यहां पर नहीं है तो ई एफ का एज इट इज रखो. बी जी
और ई ई सी ये रेशियो का फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, हाँ इसको आप एज इट इज लिखते हैं। एंड डी जी, डी जी अपॉन इसे ई सी ही देखना इसे, ओके। तो यहां पर जस्ट बी डी को मैंने ये कर दिया, ये नहीं भी इतना करोगे तो भी चलेगा। अब देखो हमें ये और ये रेशियो का जरूरत है क्योंकि बी डी इंटू ई सी कब होगा, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर लिख देता हूं, बी डी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी। ये सर फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो को हमने लिया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी इक्वल टू डी जी इंटू ई एफ, यस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बी डी इंटू ई सी तो आ गया हमें आर एच एस में जो चाहिए था, एल एच एस में हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर। अब देखो यहां तो डी जी है, डी जी यस, और दूसरा ई एफ यस, बट हमें पता है कि डी जी जो है वो डी को इक्वल है, ये सुनो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ना, सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना यहाँ पर, तो डी जी जो है वो डी को इक्वल है और ई एफ जो है वो भी डी को इक्वल है, इज इट क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू डी इंटू डी, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू, सिंस वी नो दैट डी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू ई एफ इज ऑल्सो इक्वल टू जी एफ, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू डी इंटू डी डी स्क्वायर, is it clear? So therefore, d square equals to bd into ec. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of this step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं। तो simple मैंने आपको बताया, ये दोनों triangle हमें similar proof करना पड़ेगा, but as per the information हम directly इन दोनों को similar proof नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को similar proof किया, इन दोनों को similar proof किया। तो जैसे कि ये दोनों ही जो है वो ये triangle को similar proof है, तो इसका मतलब ये दोनों भी triangle क्या हो जाएगा, similar हो जाएगा। When both the triangles are similar, तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो जस्ट आपको साइड्स का रेशियो के हिसाब से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एंड विल से दैट डी जी और ई एफ जो आ रहा है यहाँ पर वो तो दोनों ही डी के बराबर होगा, बिकॉज दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो यहां से हमें मिल गया डी स्क्वायर इज नथिंग बट डी डी इंटू ए सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।